हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। और मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ठीक मेरे पीछे आईना है। और इस आईने का क्या रोल है हमारी लाइफ में? देखो, लाइफ का कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बचपन जाता है, जवानी आती है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा जाता है तो अंत आ जाता है। तो ये सारी चीज तो लाइफ की ऐसे प्रोसेस है जो हम अपने आप देख रहे हैं। मैं ही नहीं देख रही, दुनिया का हर इंसान देख रहा है। बच्चा भी देख रहा है, छोटा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, हर कोई इस चीज को देख रहा है। आईने का क्या रोल है हमारी लाइफ में? आईना हमें क्या दिखा रहा है? आईना हमें दिखाता है हमारी सूरत और सीरत, दोनों चीजें। देखना चाहता ही नहीं इंसान, ना सूरत सूरत देख सकता है आईने में, लेकिन अपने अंदर की सीरत को नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे डर लगता है अपनी खुद की सीरत देख के। हम आईने के अंदर देखते क्या है? हम आईने के अंदर देखते हैं कि हाँ, फाइन लाइन आ गई है, रिंकल्स आ गए हैं, स्किन का जो कलर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ये डल होता जा रहा है। केवल हम यही चीज तो देखते हैं, और क्या देखते हैं? क्या कभी आपने ये देखा है कि बालों की सफेदी हमें ये बताती है कि हम अब मैच्योर हो गए हैं? आईना हमें ये चीज दिखाता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एज डिफरेंस अगर हमें कोई दिखा रहा है ना, बाहर वाला तो जो बता रहा है बता रहा है, लेकिन हमारी असलियत जो हम जानना चाहते हैं ना अपने बारे में, तो आईना बताता है। इसीलिए मैंने कहा कि आईना हमें हमारी खूबसूरती तो दिखाता है कि हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। हमें किसी दूसरे की बात पे विचार करने की जरूरत ही नहीं कि हम कोई सामने वाला हमें ये कॉम्प्लेक्स वो दे, कॉम्प्लीमेंट दे कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, क्योंकि आईना हमें हर चीज दिखा देता है कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। और दूसरी बात, ये हमें यही चीज नहीं दिखाता, हमें ये चीज नहीं दिखाता है कि हम दिन पे दिन अब बड़े होते जा रहे हैं, हम मिच्योर होते जा रहे हैं, हमें अपना बचपना छोड़ना चाहिए। यही चीजें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि उम्र का एक दौर ऐसा भी आता है कि जब हमें अपने बचपने को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है। बचपना में बचपना भी रहना चाहिए भाई। अगर बचपना नहीं रहोगे तो अपने बच्चों के साथ अपना जीवन कैसे जियोगे? मतलब कि हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, अति कभी नहीं क्रॉस करनी चाहिए। यहाँ थोड़ी देर के बाद और पहले फिलहाल कर लेती हूँ है। और तैयार होने के बाद हम पीते हैं एक कप चाय। हम यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? चाय तो अपने आप बनेगी ना। देखो, अब हम चाय बना रहे हैं, चाय को रख देंगे गैस पे, चीनी पत्ती डालेंगे, लेकिन खाली खड़े 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 क्या करेंगे? तो कुछ गुनगुना लेते हैं। तो देखो, कन्हैया का भजन तो मैंने आपको कई बार सुनाया है ना, राम जी के गाते हैं ना, राम जी और श्याम जी में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है ना। सीताराम सीताराम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाय हमारी हो चुकी है डन। अभी हम इसे पीते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कार्यवाही करेंगे। ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, अभी और गिर कर आ जाऊं। अगर गिर गई तो कोई उठाने वाला भी नहीं है इधर। आपको क्या लगता है, ये फूल पौधे पत्ते लगाना आसान है? बड़ा मुश्किल काम है फूल पत्ते और ये पौधे लगाना। अब ये मैंने इधर से इधर क्यों किए, क्योंकि इधर जो टोकरियां थी जिनमें फ्लावर लगे थे उनको धूप ही नहीं लग रही थी, वो खिलेंगे कैसे बिना धूप के? तो इसीलिए मैंने उनको अलग से दूसरी जगह इस साइड लगाया, इस साइड से इस साइड लगाया। तो ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर करोगे तो मजा भी आएगा ना। अभी रस्म ये है कि हम काट रहे हैं करेले और इनको बनाएंगे। टाइम बज चुका है, 1:30 बज चुका है, इनको बनाना है। और विनय को बहुत पसंद है करेले, और अगर दही, जैसे दही जमा रखी है ना, तो दही के साथ वो खुश होके खा लेगा। करेले काट लिए हैं और इनको नमक भी लगाना पड़ेगा,
और इन्हें नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छत के ऊपर रख के आएंगे। चलो इसे ऊपर रख के आते हैं, फिर उसके बाद इनमें मसाला भरेंगे। क्या बनाएगी आज? आलू बढ़िया करेले काट के रख के आई हूँ ऊपर छत पे। कल तो सब बनाई थी, खत्म हो गया। साग बनाई थी, एक कोली पड़ा भी है, फिर वो कोली खाए जाने करीब, तो शाम को फिर मुश्किल हो जाएगी है। तो इस करके करेले बना लेती हूँ। थोड़े से ही लेके आए थे, थोड़े से लेके आए थे। हाँ क्या कह रही थी ये औरत, ये कहाँ गई है? ये दवाई दवाई लेने, क्यों इन्हें पता नहीं दवाई कहाँ से मिला, किसकी दवाई लेना आई है भैया? इसको लेने क्या हो रहा, बीमार है? दांत दांत में दर्द हो रहा है क्या? दे बता भाई, तुम्हें डॉक्टर का नहीं पता हो रहा, इतने दिन हो गए रह रही है यो। ऐसी अच्छी लग रही है अभी ना, पैंट फोल्ड करनी है, फोल्ड करनी है इसको। देख नहीं सुन, अगर इसको फोल्ड कर देगा तो ये गिट्टे दिखाई देते हैं इसके। तो इतनी सी तो करता हूँ मैं, हैं? इतनी सी तो करता हूँ। करके देख, अच्छा करके देख, जरा सी करियो बिल्कुल ही। मेरे को तो ये ऐसे ही सही लगती है बेटे, ये एक ही पैंट की कर, देख देख इधर वाली अच्छी लग रही है, उधर वाली नहीं अच्छी लग रही। इन्हें तेरे को एक बात बताऊं मैं, वो जो सा हमने व्लॉग नहीं डाला था उसका, क्या कहते हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम का, हमने वो डाली थी तो ना, सौरव जोशी का भी व्लॉग वो हो गया था, ब्लॉक कर दिया था। आज आज मैंने उसका व्लॉग देखा ना, सौरव जोशी का, तो वो अपने व्लॉग में बता रहा था कि मेरा व्लॉग को भी ना ब्लॉक कर दिया था। मैंने कहा देखो, मैं कहा इसके और मेरे साथ तो सेम फंडा हो गया, लेकिन मेरा तो इस करके बच गया वो कि मैंने उसमें से ना वो क्लिप ही मतलब कि हटा दी, फिर वो क्लिप ही हटा दी मैंने, जो सी मैच वाली थी ना वो क्लिप हटा दी और उसका कंटेंट चेंज कर दिया मैंने। हमको कार्ड मिला, कार्ड मिला। हाँ कल किसकी शादी है? इधर आ जा तू, कभी फोन गिरा दे। तीन लड़के हैं, वो मेरे पापा को जानते हैं। अच्छा, तीन लड़के तेरे पापा को जानते हैं, तो तीनों की शादी है क्या? ना एक लड़की की है, उसका हम घर ले जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे है उसकी शादी? छपाड़ में। अच्छा, तू जाएगा क्या शादी में? हाँ थोड़ी सी पास में जाए, और मेरे को भी ले जाएगा। आ बारात में, बारात बारात में ले जाएगा है। अभी गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ निखिल के घर, देख के आते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो उनके घर पालक उग रहा है बहुत सारा, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे टीवी चल रहा है, इसकी मम्मी यहाँ पे टीवी देख रही थी, और निखिल बाहर है और अपने पापा के साथ काम को बारह, देखो घास लेके आ रही है अभी। मैं आपको अब ट्यूशन से आके मिलूंगा, मैं अभी आया था स्कूल से, अब मैं आपको ट्यूशन से आके मिलूंगा, मैं काम ही करता रहता हूँ। ओ हेलो हेलो हेलो, क्या ये देखियो किताबें अपनी ऐसे रख के जाते हैं? सेट कर बेटे, ऐसे नहीं रख के जाया करते किताबें। जो किताबों की कदर नहीं करता ना, तो फिर किताबें उसकी नहीं करती, ठीक है ना? इन किताबों को सही ढंग से रख के जा, पहले थोड़ी रख दें। आराम से रख दे। तेरी साइकिल कहाँ पे है? और ही ना, ये देख लो साइकिल का क्या हाल किया है, दिखाइयो दिखा। ये भी तोड़ दिया है ना, और ये खड़ी कैसे कर रखी है तूने? हैं? ले पकड़ इसको। और एक ये टूट गया। हाँ। किसने तोड़ा है? और ये तोड़ा तो तूने ही है? हैं? ये भी टूट गया, ये देख। ये भी टूट गया। कहाँ है? ये खिड़की में देख रहा देखो। तू तो खिड़की में से देख रहा था? हैं? है? नहीं। मैं तो न्यू कह रही थी जय बीर न्यू पूछ लेता कोई तेरे पावर लोहे की, तो देख इस पर साइकिल चलती नहीं है, कोई और साइकिल है न्यू कहता ये प्लास्टिक लोहे की चीज ना, तो वही फेंक का तोड़ दिया है ना भाई, है ना पीपी। मम्मी
दादी कह रहा है कि ना रोटी दे दो। रोटी बना रही हूँ, देख बना ली है। तू दे यहाँ दादी को रोटी है, दे दो। ठीक है ना, साग के साथ ही दो करेले के साथ ही। करेला बना रखे हैं मैंने, करेले। तू क्या खाएगा? मैं साग के साथ खाऊंगा। तेरा पड़ा साग, उसके गेलो खा लिए तो ठीक है। मैं भी एक बार बना के देखूं। क्या रोटी बेलन के साथ गोल करके देखूंगा। फिर से वही होएगी गोल हो जाएगी। अरे नहीं होती अलमारी में पड़े। तू वो डालेगा क्या? तू वही लोग डाल के वो बनाऊंगा रोटी। कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? नई स्वेटर है, अलमारी में पड़ेगा वहां देख लिए। ये देखो बना लेगा, बना लेगा। ये आपको दिख रहा है ना, इतना ऊंचा हो रहा है। ये देखो कैसे ऊंचा हो रहा है। ये देखो ये पटड़ी पे चढ़ा हुआ है। वाह भाई वाह। आटा लगा लियो इसको, कैसी रोटी बनाऊंगा। इसकी रोटी देख लेना, पूरा शेफ बन के आया है, एप्रल वगैरह डाल के। स्माइल। मुंह में क्या खा रहा है भाई? पाइन एप्पल जैसी है। चिंगम है क्या? चिंगम तो जैसे टोपी नहीं है, देखो ऐसी बोल रहा है। पाइनएप्पल टोपी खा लो। तीन पड़ी थी, ये स्वाद होती है ना, अच्छी लगती है। बनाओ 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 सेफ, दूसरी नहीं आगी। हाँ बनाओ, शौक पूरा करो अपना आज, ठीक है ना। थोड़ा सा गोल होगा। एक बात बताऊं मैंने, लड़कों को भी आना चाहिए करना काम। ये देखो थोड़ी ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत अच्छी है। आप बनाया कर रोटी है? रोटी बनाया कर, कुछ करके खाना आना चाहिए। आरा, अपनी रोटी दूंगा। क्या कह रहे हैं? रोटी दे दे। रोटी मैं दे के आती हूँ, इतना तो रोटी सेक ठीक है। इसमें पड़ी है कैसी की चिंगम? अच्छी है। ला चिमटा, मैं रोटी दे के आती हूँ। हां तो कह रहे रोटी दी है, आप पहले प्लेट ले आ। इसने ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चलो दो रोटी तो बनाई इसने, पर वैसे ये बात है कि बच्चों को थोड़ा हल्का फुल्का हर काम करना आना चाहिए, ताकि एक टाइम ऐसा हो कि अगर मम्मी बीमार हो या ना हो कोई घर पे और भूख लग रही हो, तो बच्चा मतलब कि थोड़ा कुछ करके खा भी सके। चाहे टेढ़ी हो मेढ़ी हो कैसी भी हो, देखो आप रोटी चाहे कैसी भी हो, तो बच्चे को अगर थोड़ा बहुत करना आता है ना, तो वो अपना पेट भर सकता है। खा रहे निगल नहीं रही मैं, अब मेरे को पता है। आज वीने के हाथ की रोटी खाएंगे बनी हुई। फाइनली गाइस अब समय हो चुका है ब्लॉग को एंड करने का। ब्लॉग दे देखो, ये देखो इसको देख लो, पूरी नींद गहरी आ रही है। इसको रोटी बनाई थी ना जिसने, इस करके। और फाइनली अब समय हो चुका है ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको हमारा ब्लॉग आज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीने को गुड नाइट भी ज़रूर कर देना। तो बाय।